जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे प्राइमरी टीचर भर्ती 2024 के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों की या फिर कहूँ प्राइमरी टीचर्स की भर्ती निकली हुई है और ये वैकेंसी 15,800 के करीब वैकेंसीज है और यहाँ पे इन पदों पे ये वैकेंसीज सभी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए निकली हुई है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से पंचायत समिति के तहत यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक रीजन जो भी आपका है वहाँ पे पंचायत समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने रीजन में अपने कस्बे में आप देख सकते हो जो भी प्राइमरी स्कूल्स होती है वहाँ पे कितने वैकेंट पद चल रहे हैं, यानी कि कितने खाली पद है, उनके आधार पर आप यहां पे एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप जिस भी रीजन में आते हो उसी को रीजन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो डीवी करवाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें दस्तावेज आपके चेक किए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट है, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ में बने रहना। जो फ्रेशर्स है अभी जिन्होंने रिसेंट में ग्रेजुएशन पास किए उनके लिए सुनहरा मौका है, एक तरीके से 15,800 के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। जी हां दोस्तों, बात करेंगे समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसकी डेट्स में यहाँ पे बता देता हूँ, जो यहाँ पे 1/7/2024 है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हो और ये 30/7/2024 तक शाम को 6 बजे तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन यहाँ पे टेंटेटिव है 28/8/2024। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssa.gov.in पे भी जाके आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो वैकेंसी है वो किन पदों पे ये वैकेंसी है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 15,800 पदों पे। इसमें सिंपल सा यहाँ पे न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी भी वर्ग से स्नातक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, और या फिर आपका जो बीए डिग्री है या सीटेट पेपर वन उत्तीर्ण कर रखा है तो वो अलग से यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बीच में या दे रखा है, यानी कि या तो ये या फिर ये। तो अगर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% अंक के साथ में, तो आप जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक जो कि प्राइमरी स्कूल्स होती है गाँवों कस्बों में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित जो कि होती है 1 से 5वीं तक बच्चों को पढ़ाने का कार्य उसमें किया जाता है, तो उसकी यहाँ पे ये वैकेंसी है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो 7500 पद है जनरल के, 4100 ओबीसी के, 2600 एससी के, ईडब्ल्यूएस के 15,800 टोटल पद यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान रखना 18 से 30 साल के बीच में आपकी आयु है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। सैलरी स्टार्टिंग वीक से यहाँ पे 25,300 रुपये प्रति माह रहेगी आपकी सैलरी, जो भी प्रोबेशन पीरियड होता है वो निकालने के बाद में। और ये भी ध्यान रखना इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे यहाँ पे एससी एसटी वालों को, वहीं 3 साल का यहाँ पे ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा संपूर्ण डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके होने चाहिए ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे पूरे दस्तावेज सत्यापन जब किया जाएगा आपका तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनकी एक एक फोटोकॉपी आपके पास साथ में रहनी चाहिए। इसके अलावा पूरी डिटेल्स अलग से वीडियो बना के भी बता दूंगा जब यहाँ पे इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 1 जुलाई से, तो ये ध्यान रखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज हम आप तक शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।